हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो ये सामने टाटा सफारी है। अब टाटा सफारी में XZ या XZ A प्लस या एडवेंचर पर्सोना और ये गोल्ड एडिशन, इनमें सेम पूरा जो आपको लाइट्स का पूरा मिलता है, चाहे वो टेल लाइट हो, हेडलाइट हो या फिर इंटीरियर में कोई भी लाइट्स हो, कैबिन लाइट्स, इल्यूमिनेटेड बटन्स एंड ऑल। तो हम चेकआउट करेंगे ये जो वेरिएंट्स हैं सारे, कैसे ये रात के टाइम में दिखते हैं। ऐसे बहुत लोगों की डिमांड आई थी मेरी क्रेटा वाली वीडियो पे भी, कि जहाँ मैंने क्रेटा की पूरी लाइट से रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, इवन टाटा पंच का, तो इसका भी चेकआउट करेंगे। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखो और उसके बाद अगर कुछ भी सवाल होते हैं कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ ऐसी तो चाबी सी है जिस पर एक लाइट का बटन मिलता है, जैसे वो फॉलो मी हेडलैम्प आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके जो टेल लैम्प्स हैं फुल LED यहाँ पे लिट अप हो जाते हैं, प्लस हाई स्टॉप माउंट लैम्प जो अभी मेरे साथ कोई है नहीं बट स्टिल उसकी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखते हैं हम इसके टर्न इंडिकेटर्स, तो आपको हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं जिनकी विजिबिलिटी ओके है, बट ये LED के बहुत अच्छे लग रहे हैं। साइड में फ्रंट में अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये DRLs ऊपर वाइट, देन Xenon HID वाइट मिल जाएगी आपको। एंड ये जो इसका यूनिट है हेडलैम्प का, ये हाई बीम और हैलोजन में है। इवन फॉग लैम्प भी आपको हैलोजन मिलेंगे, जो कि मैं आपको अभी जला के दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस भाइयों, मैंने फॉग लैम्प्स एंड ऑल सभी कुछ ऑन कर दिया। इसको हम अंदर से भी देखेंगे कैसी इनकी थ्रो है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैलोजन में मिलता है ये वाइट Xenon HID, और ये हैलोजन में आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं। सो अगर देखी जाए, ये भी हाई बीम भी है ऑन और लो बीम भी आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा मिक्सचर है येलो एंड वाइट लाइट का, और बहुत ही पावरफुल है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वो हीट आप महसूस कर सकते हो। एंड अगर ये है पूरा इसके रिगार्डिंग द फ्रंट, अब अगर मैं आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स जो ORVMs पे हैं वो LED में हैं आप देख सकते हो, और जो इसके DRLs हैं वो ड्यूल फंक्शनल हैं जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। अगर मैं इसका सिर्फ एक साइड का टर्न इंडिकेटर दिखाऊं आपको, तो यस वो देखिए वहाँ पे DRL एंड ये एज अ टर्न इंडिकेटर भी काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। देन अगर पीछे से हम देखते हैं तो मैंने रेयर में फॉग लैम्प्स भी ऑन कर दिए यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो दोनों साइड पर रेयर फॉग लैम्प्स। देन यहाँ नंबर प्लेट लाइट जो है ना, वो भी आपको वाइट LED में मिलती है और काफ़ी कमाल की दिखती है। अब अगर मैं इसका बूट दिखाऊं आपको, सिर्फ एक लगेज लैम्प मिलता है जो कि डिसेंट आधे तक आपको रोशनी दे देगा। उसके अलावा एज सच वो इतना पावरफुल नहीं है, बट स्टिल इट्स अच्छा लग रहा है देख के। देन डोर्स में आपको पडल लैम्प्स मिल जाएंगे, हैजर्ड लाइट मिल जाएगी आपको डोर्स में, जो कि एज अ वार्निंग लाइट भी काम करेगी। इवन सेम पीछे अगर आप देखते हो तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं ऑन डोर्स, जो कि अच्छी लग रही हैं। देन अगर हम कैबिन की बात करें तो वाइट लाइट जो आपको मिल रही है यहाँ पे, यस मैं एक बार पीछे वाले कैबिन्स की भी लाइट जला देता हूँ। सो यस भाइयों, ऐसा कुछ दिखता है फुल कैबिन जब वाइट LED इसके साथ इसमें मिले। यहाँ फ्रंट में भी, बीच में भी आपको रीडिंग लैम्प्स, और लास्ट वाली रो में भी। तो ये कितना अच्छा खूबसूरत लगता है ये, स्पेशली इन वाइट सीट्स के इंटीरियर के साथ। यहाँ भी आप देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी दे रहा है ये। देन हम अगर बात करें डोर्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको मिल जाती है एम्बिएंट लाइटिंग, कुछ ब्लू शेड, और ये गोल्ड के साथ तो बहुत प्यारा लग रहा है रियल में। एंड जब हम अंदर आ जाते हैं, सो यस अगर मैं आपको लाइट बंद करके दिखाऊं, तो देखिए कुछ ऐसे बटन्स हैं सारे, ये आपका एम्बिएंट लाइटिंग, ये सारे विंडो बटन्स इल्यूमिनेटेड है, इवन विंडो लॉक बटन भी इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पर अगर आप देखते हो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसमें अच्छी खासी एक विजिबिलिटी है, बहुत ही ब्राइट है, तो डे टाइम में भी आपको एज सच कोई इशू आने नहीं वाला। पहले टाटा का लोगो आएगा कुछ, ये थोड़ी डार्क स्क्रीन है, पूरा वाइट फॉन्ट मिलेगा आपको, इवन एनालॉग स्पीडोमीटर का वाइट है।
स्टेयरिंग व्हील पे हर एक बटन इल्यूमिनेटेड है, जो कि वाइट ही है, कुछ ब्लू शेड नहीं है, तो ये पूरा वाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोटेनमेंट का पूरा लेआउट और बटन्स का सब इल्यूमिनेटेड है। इवन यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये रोटरी डायल जिस पे आपको मिल जाता है आपका टेरेन चूज, इवन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल जो गियर नॉब के जस्ट आगे है। यहाँ पे गियर ट्रांसमिशन पे आपको हर एक चीज़ दिखेगी, PR&D सब इल्यूमिनेटेड है। इवन आपका पार्किंग ब्रेक जो ऑटो होल्ड के साथ आता है वो भी पूरा। अदर देन दैट यस, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आर्मरेस्ट के अंदर ये 12V का सॉकेट भी इल्यूमिनेटेड है। उसके अलावा दो USB पोर्ट भी आपको मिल जाएंगे इसमें। यहाँ पे ऊपर बात करें, आपके सनरूफ के कंट्रोल्स भी सारे इल्यूमिनेटेड हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। एंड ये कुछ ऐसी लाइट है यहाँ पे वैनिटी मिरर के नीचे ऑन द पैसेंजर साइड। उसके अलावा वो बटन्स भी जो हैं पूरी गाड़ी में, हर बटन डोर पे जो है वो इल्यूमिनेटेड है। देन अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में भी आपको अच्छी एक कन्वेंशनल लाइट येलो कलर की मिलेगी, कोई वाइट LED है ऐसे कुछ नहीं है, बट आप आफ्टर मार्केट उसको करवा ही सकते हो अगर करवाना है तो। अदर देन दैट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लाइट्स के साथ है, ये चीज़ है। एंड ऑल्सो और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इसका अगर रात के टाइम में आपको जो वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं गोल्ड एडिशन में, यहाँ पे आपको फ़ैन बटन इल्यूमिनेटेड है, और जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे, ये आपके तीन लेवल्स हैं, वापस एक बार दबाएंगे तो आप दो लेवल सेकेंड लेवल पर जाएंगे एंड फर्स्ट लेवल, ऐसे ये बंद हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ है पूरा इसका फ्रंट कैबिन में जो भी अभी आपने देखा लाइट्स के रिगार्डिंग। अब पीछे हेडलाइट पे बाद में आएंगे हम, लास्ट में। पीछे अगर कैबिन देखते हो आप, सो पीछे का कैबिन येस, यहाँ का तो मैं बता ही चुका हूँ पूरा, एंड इवन यहाँ का बटन भी आप देख सकते हो। कैबिन लाइट्स की कोई कमी नहीं है भाई, सच में विजिबिलिटी एक बहुत ही लाजवाब विजिबिलिटी है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं, ये वाले लैंप्स मैं बंद कर देता हूँ, एंड यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। सो बटन्स मिल जाएंगे ये, एंड उसके अलावा आपका एम्बिएंट लाइटिंग तो है ही यहाँ पे, जो आपको मिलता है डोर हैंडल के पास, वो अभी गाड़ी बंद हो चुकी है इसीलिए मैंने वो ऑन नहीं हुआ है। देन यहाँ पे आपके USB पोर्ट्स इल्यूमिनेटेड है, अगर आप देखते हो तो दो पोर्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा एज सच कुछ नहीं है यहाँ पे लाइट्स से रिगार्डिंग। ये आपका कैबिन लाइट जो कि पावरफुल है, रीडिंग लैम्प आप बोल लीजिए, वन साइड के में इतना ब्राइटनेस आता है, सब बंद है, सिर्फ एक साइड का चालू है, ये साइड का भी चालू कर देंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, ऐसा कुछ है। एंड अगर मैं पीछे वाली रो की बात करूँ, पीछे आपको क्या क्या मिल रहा है ये बंद करने पड़ेंगे। यस, पीछे आपका जो AC वेंट्स वाला है ये बटन इल्यूमिनेटेड नहीं है। AC वेंट्स का जो आपका डायल है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे फैन की जो मार्किंग दी है वो नहीं है इल्यूमिनेटेड। अदर देन दैट अगर आप वो साइड पे USB पोर्ट्स देखते हो तो वो आपको मिल जाएंगे दो, जो कि इल्यूमिनेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है पूरा सफारी के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर से जुड़ी हुई लाइट्स। अब चेकआउट करते हैं कैसा इसका हेडलाइट का थ्रो है एंड ऑल। सो यस, अभी मैंने गाड़ी बंद कर दी, अब मैं चालू करूंगा तो इसके DRL पहले चालू हो जाएंगे। ये देखिए, ये सिर्फ DRL है जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ DRL है भाई, और ये इतनी पावरफुल है ना, बहुत ज़्यादा। अभी मैं वापस बंद करके दिखाता हूँ, ये देखो, चालू करते हैं, ये सिर्फ DRL है, बहुत ही शानदार। अब अगर हम इसके हेडलाइट जो पार्किंग लाइट है उस पर गए तो आपके यहाँ कैबिन में जो सब बटन्स इल्यूमिनेटेड है वो जल जाएंगे, प्लस DRLs की विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ये देखिए, DRLs अभी भी चालू हैं और यहाँ बटन सारे ये हो गए। अब हम इसके पहले फॉग लैम्प ऑन करते हैं, सिर्फ फॉग लैम्प, ठीक है। ये फॉग लैम्प हैं जो हैलोजन में आपको मिल रहे थे, तो फॉग लैम्प अच्छी ठीक ठाक सी विजिबिलिटी है इनकी, और पावरफुल हो सकते थे। आफ्टर मार्केट आपको उसको HID करवाना है तो करवा सकते हो आप।
अब अगर मैं हेडलाइट ऑन करूं सिर्फ इसका लो बीम, फिर देखते हैं। सो यस, ये लो बीम है जो कि पूरा वाइट ज़ेनॉन एचआईडी है, आप वाइट लाइट देख सकते हो। अब अगर हाई बीम करें तो येलो शेड आ जाएगा, क्योंकि आपका जो हाई बीम है वो हैलोजन में है और येलो में है। ये देखिए आपका आ गया, ये लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, तो अच्छा है। अब अगर मैं लो बीम पे फॉग लैम्प ऑन करूं तो यस, थोड़ा बहुत येलो नीचे आपको हेल्प कर देगा। एंड अगर इसी के साथ पूरा हाई बीम सभी कुछ मैं ऑन कर दूं तो कुछ ऐसा हिसाब रहेगा। यस, पावरफुल है, अब बहुत ज्यादा पावरफुल है, अच्छी लाइट्स हैं, उसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं। इवन ये है आपका रेयर फॉग लाइट का, जो कि अभी आपको मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। सो भाइयों, ये था पूरा इसकी कैबिन लाइट्स के रिगार्डिंग, जो भी आपको मिल रही हैं अच्छी खासी हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि ब्लू शेड नहीं, यहाँ पे बटन्स पे वाइट शेड है, एंड आपकी लाइट बहुत पावरफुल है। इसकी DRLs पे तो यार कसम से बहुत अच्छी DRLs हैं, देखो। एंड अगर मैं सिर्फ सब बंद कर दूं और अगर मैं सिर्फ टर्न इंडिकेटर चालू करूं, सिर्फ टर्न इंडिकेटर देखते हैं, ये देखिए ये सिर्फ टर्न इंडिकेटर्स चालू हैं, सब लाइट्स बंद हैं, DRL वो एक्ट कर रही है एज अ टर्न इंडिकेटर। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये गाड़ी कैसी लगी इन द नाइट टाइम, एंड कुछ भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं तो भाई बेस्ट है इंस्टाग्राम, वहाँ कनेक्ट कर लो। मुझे ये वीडियो के लिए रुकना पड़ा शाम होने के लिए और बन गई, बस यही बात है। ये देखिए बहुत खूबसूरत है DRLs एंड इसके जो मल्टी फंक्शनल चीज़ें हैं, HID भी अच्छी है। सो भाइयो, आई होप वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।